मोमना के बच्चों के हम सायर झूठे तो लाना पी चौदह साल बाद सरकार की नौकरी बिस्मिल्लाह महसूस न करो ते सलामत बोझ समझ के नहीं इबादत समझ के मेरे के बलंद नवाज नाराय रिसालत जिन मोहब्बत मुस्तफा दिल च है उत बोले दूजा बंदा मेहरबानी करे नाराय रिसालत नाराय हैदरी सलामत रहो सलावात मिल के बुलंद आवाज में दुआ है मौला कायनात तमाम अज़ादारान तमाम मतमियां दा तमाम शरफा दा इस अज़ीम दरबार चुराया लाकरीन दी पढ़ाई महकीम दी नौकरी दो जान दा वारिस दरबार एक ते सच कबूल ते मंजूर है ही दादा जी नौकरी दा आगाज करिए ये बीच बीच खाली जगह जनी है जे पूर कर दियो दो तो कदम अगे आ जाओ ताकि पीछे आना रहे फिर पीछे बेंदे रहन ताकि को मजलिस पाक दा माहौल भी बन जाए मेरा दिल करे को जरी से पेश करो मेहरबानी करे वर्ष में या फिर थोड़ा सा करीब आ जाए इंजे दो दो कदम चार के सारे नाल ते हाल पाण के सारे मेहरबानी कर दियो बुजुर्गों की खैर है नौजवान जेड़े भाई तुम हिलते आओ हाँ नौजवान हिलते आओ बुजुर्गों की खैर है चलो बुजुर्ग जिते ही कह रहे हमारे से जमाना रहा गुजारिशी है कोई इल्मी या लाखरी हैसियत नहीं एक तालिब इल्म जहनी तौफीकात के मुताबिक ममलकत एजदी के प्राइम मिनिस्टर हुसैन को खिराज अकीदत पेश करनी चाहता भैया मोबाइल ही अपना तू ही अपना कार मोड़ी सुनी जानी है मजलिस जड़ी लंघ जानी है वो मुड़ नहीं आनी साँ वो चंगा है ख्याल वो चंगा है जिस ख्याल जो हुसैन के सिवा कोई ना हो हाथ उठा के बोलो क्योंकि आप मेरे भाई हैं कोई बड़ा होता तो शायद मैं ना कहता आप मेरे छोटे भाई हैं इसलिए मैंने कह दिया आप छोटे भाई हैं मजलिस का एक तकद्दस है एक तहजीब है ठीक है ना जी और याद रखो ये वो अजीम जिक्र है जिस अजीम सफ़ते साढ़े नाल चौदह भी होंगे ऐसे ही अजीम भाई जी कोई इंतजार नहीं कोई तवील गुफ्तगु नहीं गुफ्तगु मेरे तो पहले अलामा साहब ने ढेर की थी बल्कि कोई हर किसी का अपना अपना हिस्सा होता है चलो मैं कोशिश करांगा जितना मैं मुख्तसर कर सका नौकरी भी सोनी हो जाए आया भावे मैं पहली बार हाँ मैं कभी एक गल आखी नहीं बंदे मेरे मिजाज तो वाकिफ नहीं या मैं इन्हों के मिजाज तो वाकिफ नहीं फ्रंट वाले हो मैंने पता है अली वाले की आपस में मुलाकात होवे ना होवे जिते विरान इन्हों के मिजाज होंगे हलाली है लाला तेरी जिंदगी दराज हो गई आप कभी किसी के मोहताज ना हो सारे बोलिया जी कुरान पढ़िया के सारे चलो जे तुसा नारा लाए सत्रह मैं को होर पढ़निया हूँ मेरा दिल कीता है अकीदे वाले विलायत वाले चेहरे मेरे सामने बैठे हो मेरे बाद मेरे मुल्क का सरमाया मेरा वीर जैगा मुज्तबाई इमाम जमाना चढ़ दे सूरज जितना अरूज मेरे वीर नु अता करे और इमाम हुसैन बादशाह बड़ी खैरात दीती हुई है वीर को भी दुआ लैनी है बुजुर्गों को भी दुआ लैनी है अख्तर भाई थोड़े को लैके आओ जो भाई ड्यूटी पर करते हैं आखिरी मातमी तक ये बंदे हाथ हुसैन का लाकर समझो वीर समझो मेहमान समझो चार सत्रह का इस्तकबाल इंज करे है जिम्मे करण का हक ये जान दौ मैं खैरात मंगने वाला अदादारा को नौकर हाँ
पूरे दावे और मसूर के नाल प्यादा मुश्किल में मलंगों को सहारा है अली का। काम आता है जो सबके वो नारा है अली का, काम आता है जो सबके शिया का हाथ ना हो जरा कल्ले रह जावे, काम आता है जो सबके वो नारा है अली का। भजन कैसे ना पलटता वो मुकसर तो नहीं था, सूरज को खबर थी ये इशारा है अली का। हाथ उठा के अली वाला बोले है अली, जी मैं अलग अपने वीर को माहौल बना के देना और एडा सोना उन्हें पढ़ना है, तुझी अगली मजलिस तक गल्ला याद ना करो फिर आले मोहम्मद जब बोलते से क्यों जी चाचा के लखना बोलो सारे मुश्किल में मलंगों को सहारा काम आता है जो सबके वो नारा है अली का। वर्ष भाई कैसे ना पलटता वो मुकसर तो नहीं था, सूरज को खबर थी ये इशारा है अली का। लो जी चार मिसरे और इरशाद करा उस तब डायरेक्ट कर सीखा कोई गुफ्तगू नहीं, फिर आज होया रात गुफ्तगू करे सा आके भाई ड्यूटी बेचा करते पे तोड़े था हर मातमी हर आजादार चूंकि असि बिला फसल इबादत करने वाले लोग हां बेशक बिला फसल दे असि कायल हां। ये मेरे बदले शाबान का महीना है बोलो भाई आप ही बोलेंगे, मैं आपका मास्क उतरवाऊंगा नहीं लेकिन आप बोलेंगे सही। हाँ अगर हुसैन दे हिसार विच आए इत्थों शिफा लभणी है, जे इत्थे शिफा नहीं फिर कायनात दी शिफा है ही नहीं। हाँ ये अपना अपना मंजिल है अपनी अपनी सोच है अपनी अपने परवाज है। आओ शाबान का महीना चार सतरंग का पूरा शाबान पढ़ने लगा, ये मेरा जहन है मैं इसका जहन हो जाऊं हिजाबे खाली के अकबर का चैन हो जाऊं। भाई कहा फतूल को मां इसलिए मोहम्मद ने, नबी का दिल था कि मैं भी हुसैन हो जाऊं। चलो जे बोल रहे हो तुराबी का ढेर सलाम जे चुप कौन बहलोल मलंगा का कायदे आजम बहलोल। चाचा मेहरबानी करी चाचा मेहरबानी करी बुजुर्ग के भाई जे नौजवान मलंगा का छब्बी रमजान इंशाल्लाह करनपुर भाई जो बंदा नौकरी करनी है बा अमरे इमामे जमाना बादशाह मलंगा दा जी नौकरी नौकरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हां ते की आखे जी मैं मलंगा दा चलो इंज नहीं हुण जेडे को बंदे सियासत नाल ताल्लुक रखदे हो ते मुल्की हालात नाल ताल्लुक रखदे हो कौन बहलोल मलंगा दा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बहलोल हाय हाय बोलो जी जे बोल सकदे हो। चलो कसीदा पढ़ी लंबी गल नहीं करनी तो जान दे वक्त है जेड़ा हाके भाई कमर भाई परस भाई फुलांती हारून रशीद उन्हें नाल सरकार बहलोल रिश्तेदारी किया। हां अपने दौर दे बहुत बड़े आलम अगर मैं तफसील च गया वक्त ढेर लग जाना है, अल्लाह जाने बहलोल नु समझ केड़ी गल आई आलमियत ला के एक पासे रखी सी। चलो इंज नहीं ते मलंगा वाली सूरत इख्तियार कर ली बोलो कीती ना। चलो एक जुमले सारी गल कर देवा एक जुमले समेट देवा जी गल मेरे नाल थोड़ा जे सफर करोगे बोलो भाई नौजवान करोगे
क्योंकि जब तक आलम आई उन्हें पता ही कुरान पढ़ने च लग जाते ने रमजान का पूरा महीना बहलोल का दिल बढ़ गया जो त्री दिन इंतजार न करा मैं हर साल अल कुरान पढ़ा अलमियत लहाई अली हक अली हक अली हक हर साल अल कुरान बहलोल पढ़ना शुरू कर दिया बहलोल हर साल अल कुरान पढ़ना शुरू अच्छा जेड़ा वक्त वजीर आलम आई ना कुरान दी हारून रशीद उस आके बहलोल नाल सुन ये वो सीधा लिबास ये वो सीधा बोलो लिबास फटे हुए कपड़े देख मेरे ना तेरी रिश्तेदारी है नवक्ता वजीर आलम गल सुन अली हक अली हक अली हक दिया सदा मैं छट मेरे कोला आओ जड़े झोली चा के इतू कोई खैरात लेके जाना चाहते हो मैं बाबा जी पहली सतरे देखना है केड़ा बंदा किस मकाम ते बैठ के सुनन दा आदि भाई ने तुराबी नु दावत दी है मैं इन्हां कोल नौकरियां लाहौर ढेर करना ते मौला दी कसम इंज नौकरी आउंदी जिवें हुण दा हक हुंदा है मैं मंगा लैके आया उस अगे पहलो बसीदा लिबास त्रै त्रै दिन दे फाके ते गुरबत छट मेरे कोल आ मैं तैनूं गवर्नर बनावा ते मैं दौलतां दे अंबार ला देवां दिनारां दे ढेर ला देवां मेरे कोल आ जिंदगी सुकून नाल गुजार जिंदगी बोलो पिछले जिंदगी सुकून नाल गुजार अली दे मुनकर दे मुंह ते खलो के उंदे ते लानत करके बहलोल जिहड़ा जवाब दित्ता सुनावा बोलो भाई फ्रंट वाले सारे पढ़ा बहलोल जी कल आखी है जनाब तक भेजा लगा बहलोल आदा है मैं ये ताजदारी भला क्या अलहमदुल्ला सत्तर चाचा मैं हूं आखन लगा दो अलमा के दरमियान खलोता
मैं नहीं अपना हाथ खड़ा करो, मैं पता जितने ही सारे हुसैन चाहे वो सारे अली इब्न वली अल्लाह पढ़ ना ले। ठीक है जी अख्तर जी, नसब किसी का जानना अगर जरूरी हो, भैया थक गए, नसब किसी का जानना अगर जरूरी हो, निकाह चेहरे पे रखो, अली की बात करो। आए 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 किताब याद है, नुक्ता समझ नहीं आता। चलो फिर शिया ना हो यार, जन समझ आई होगी तो बोल ना सके हो। मालिक है फरमान, मालिक जी तरह फरमान, रात बवजे बारिश आ गए, सी गए अस भाई के घर, अस रात असी नौकरी नहीं कर सके, लेकिन असी आ गए मालिक दी सब ही सादा फरिश्ते ते च नाम तहरीर मुलाकात हुई है, बोलो तो सही, अल्लाह कितने, इसलिए नहीं बोले अल्लाह एक के। लो हुण मैं सत्र पढ़नी है फर्द जानी तक, मैंने पता लग जाने किस किस बंदे दा अकीदा कितने कितने गलत है। जिने कहे खुदा दूसरा कोई नहीं, जिने कहे खुदा दूसरा
ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਦੇ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਮਨਾਉ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਦੇ ਉਸ ਤਰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਹੈ ਜਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੈਦਰੀ
नतीजे सुटा ले ला लिया हुसैन जो हाथ खुलाए तू बन के क्यों बैठा हाथ खोल के बोल हैदरी तेनु अपने ही प्यो का पता कोई नहीं जेनु
ਸ਼ਰੀਫ ਹੰਤ ਲੁੱਟੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਪਸ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਕਰੀ ਬਸ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜਸੀ ਅਗਲੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਕਰ 'ਤੇ ਨਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਹਨ ਬੋਲੋ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਪਿਆਦੇ ਇਮਰਾਨ ਬੇ ਜੁਰਮ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਅੱਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਮ ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰੁਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੱਥੀ ਹਰ ਰੁਲ ਗਈ ਆਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਛੋੜ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਸਹਿਬੇ ਅਕੀਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਸਾਜ ਪੜਾ ਮੈਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਦਬ ਦਾ ਦਾਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਪੜਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਜ ਪੜਨਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਜਰਿਆ ਲਿਓ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਦ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੱਤਰ ਜੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਜਾ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੁੰਨ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫੇਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਔਰ ਬਾਤ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਜਿੰਨਾ ਮਤਨ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਹਿਜਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੋਂ ਹਿਜਾਬ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰ ਹੈ ਬਤੂਲ ਦੀ ਪਾਕ ਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁਜਰੇ ਵਾਲਿਓ ਬਤੂਲ ਦੀ ਪਾਕ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਤੈਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੋ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਰੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ ਵਿਰਾਹ ਤੇ ਹਨ 18 ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਵਿਰਾਹ ਤੇ 18 ਕਿਹੜਾ ਵਿਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ ਹਰ ਵਿਰਾਹ ਹਰ ਖੈਰਤਮੰਦ ਵਿਰਾਹ ਬਹਿਣ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਲਮ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਬਾਸ ਹੈ ਆਲੀਆ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਜਰੇ ਵਾਲੋ ਤੂੰ ਆਏ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਮਨ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਸਾਂ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਭਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ 13 ਜ਼ਰਬਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਬਤੂਲ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਖੈਮੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੁੱਟੀਏ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਸਾਡ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਕਿਨ ਕੀ ਆਏ ਸੁਣਿਆ ਅੱਬਾਸ ਤੇਰੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਮੈਂ ਭੈਣ ਪਰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵੈਣ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੇ ਸ਼ੀਆ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਨੇ ਕਿਉਂ ਆ ਇੱਕ ਅਮਲ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡਾ
कमाल बनीन दे पुत्र की दे ते नौ लख बदमाश मंगाए गए दे लालच जार जागीरां दे कातले खले के महमल तैयार जी बात जा फरमाया जा भेड़ा महमल सवार करा कदम झाड़ पी आए हाथ जोड़ क्या मैं अमन दिया परिया भेड़ा सदके हो जा सकेदा जय बास चुप गाली चुप हौसले दे ना हौसले दे ना चला समझ ले अठा भी जब अब्बास मिल तक करदारी सैयदा जय अब्बास चुप गाली चुप मक्के आ गए ना मैं भुला ना मैं थका मैं पहले आके मैं मसाई बड़े आराम ते हया दे नाल पढ़ना मक्के आ गए सैयदा दे अब्बास जी बादशाह अब्बास मैं हुसैन हज नहीं पढ़ता गाजी आ जा हज क्यों नहीं पढ़ता सैयदा दे अब्बास मैं हुसैन गाजी आ जा मैंने मेरे कलह का इजाजत दे मैंने हसन दे कातिल पेड़े से मैं पूछा कासिम नु यतीम क्यों बनाया ने सैयदा दे अब्बास लड़ना नहीं गाजी चुपे आ गए करबला दे मैदान च मन दरिया ते खैमे लग गए अब्बास नु हुक्म मिल गए भैन दे खैमे पट लए कमर जी मैं सतर पढ़ दी है बंदिया सुन लीए अल्लाह जाने गाजी दे जीने आलिया दे खैमे पट्टी दे रहे गाजी दियां साहा किवें चलदियां रहियां चढ़ पिया सतवी दड़ी पानी बंद हो गया अब्बास इजाजत मंग के आ दे लोग मैंने तेरी नहीं दा माश की छड़े ने मई जी दावा तेरा छिया इजाजत मंगी जडे त्रे दे रह गए वेखी मेरे पास जिंदा हाथ हुसैन की अमानत हाथ उन्हें सीने ते आवे जी एक अब्बास एक हुसैन एक अली असगर भाईजान जडो त्रे दे रह गए गाजी तुरदाया करीबा के हाथ जोड़ के आदे मां दे खाली वलन दा वास्ते हुण ते इजाजत दे सैयदा दे गाजी की वे इजाजत दे वा तू मेरी फौज दा जरनैल गाजी मातम करके आदा साज जस हाजरी फौज दा मैं जरनैल तेरी फौज खेल सैयदा दे अब्बास चुप गाजी चुप जिहड़े वेले अब्बास ने लिखा हुण देखी मेरे पास जिस वैण दा वादा है आखिरी वैण करन लगा अब्बास ने लिखा मैंने इजाजत नहीं मिलनी शबीत करीब आए आके तलवार रखी सच्चे दादा है अब्बास तू मेरी फौज दा जरनैल अब्बास तलवार मेरे कदमां च क्यों रखी है